नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज के विशेष खबर पर। राशन की दुकान से सस्ते अनाज के लिए आधार अनिवार्य। रसोई गैस एलपीजी के बाद अब सरकार ने राशन की दुकानों से सब्सिडी वाले अनाज की आपूर्ति पर आधार अनिवार्य कर दिया है। इसका मकसद खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 1.4 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी को सही लोगों तक पहुंचाना है। जिन लोगों के पास आधार नंबर नहीं है उन्हें इसका आवेदन करने के लिए 30 जून तक का समय दिया गया है। सरकार ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है। हालांकि सरकार ने यह नहीं कहा कि 30 जून के बाद आधार के बिना सब्सिडी वाला खाद्यान्न नहीं दिया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को पिछले साल नवंबर में देश भर में लागू किया गया था। इसके तहत 80 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति व्यक्ति 1 से 3 रुपए प्रति किलो की दर से 5 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराती है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग ने 8 फरवरी को आधार कानून के तहत अधिसूचना जारी की है। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत प्रत्येक ऐसे व्यक्तिगत लाभार्थी जिनके पास राशन कार्ड है को इस बात का प्रमाण पेश करना होगा कि उनके पास आधार नंबर है या फिर उन्हें इसके तहत सब्सिडी का लाभ लेने को आधार सत्यापन से गुजरना होगा। यह अधिसूचना 8 फरवरी से असम, मेघालय और जम्मू कश्मीर को छोड़कर अन्य सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों पर लागू होगी। यह सभी नए लाभार्थियों पर भी लागू होगी। बयान में कहा गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थी जिनके पास आधार नंबर नहीं है या फिर उनका आधार नंबर के तहत नामांकन नहीं हुआ है लेकिन वे सब्सिडी पाने को इच्छुक है उनके आधार के लिए 30 जून 2017 तक आवेदन करना होगा। लाभार्थी को आधार नंबर मिलने तक सस्ता अनाज, राशन कार्ड दिखाने या आधार नामांकन आईडी स्लिप या राज्य सरकार को आधार कार्ड के लिए किए गए आवेदन के प्रति के जरिए यह लाभ मिल सकेगा। 8 अन्य दस्तावेजों के जरिए भी यह लाभ मिलेगा। यह है मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राजपत्रित अधिकारी, तहसीलदार द्वारा आधिकारिक लेटर हेड पर फोटो के साथ पहचान प्रमाणन, पत्ते का कार्ड जो कि डाक विभाग ने जारी किया हो और इस पर फोटो भी हो, किसान फोटो पासबुक और राज्य या संघ शासित सरकार द्वारा तय कोई अन्य दस्तावेज। लाभार्थी आधार नामांकन के लिए अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर, राशन कार्ड नंबर और अन्य ब्यौरों के साथ राशन दुकानदार को देकर या वेब पोर्टल के जरिए आग्रह कर सकते हैं। और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अनुपम खेर ने कहा कि राहुल ने किया मनमोहन का सबसे ज्यादा अपमान। स्टालिन ने कहा कि द्रमुक ने पनीर सेल्वम को नहीं की समर्थन की पेशकश। योगी आदित्यनाथ बोले कांग्रेस मरा सांप, सपा ने गले में लपेटा। ओंकारेश्वर की यात्रा कर मुक्त होगी। वीजा प्रतिबंध पर ट्रंप को झटका, रोक हटाने से अमेरिकी फेडरल कोर्ट का इनकार।